छिंदवाड़ा में महाकर्फ्यू जारी है। इस दौरान प्रशासन ने सभी से अपने अपने घरों में रहने की अपील की। शहर और कॉलोनियों में पसरा हुआ है सन्नाटा। हॉस्पिटल और कलेक्टर परिसर में सैनिटाइजर चैम्बर्स लगाए गए। भीलवाड़ा में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 28 पर पहुंच चुका है। महाकर्फ्यू लगातार जारी है भीलवाड़ा में। स्थिति हालांकि भीलवाड़ा की अगर बात कहें तो फिर भी कंट्रोल में है बाकी सारी जगहों को देखते हुए, लेकिन फिर भी यहां पर महाकर्फ्यू काफी दिनों से जारी है। स्थिति को संभालने की यहां पर कोशिश लगातार की जा रही है। प्रशासन ने सभी से अपने अपने घरों में रहने की यहां पर अपील की। जगह जगह चैम्बर्स में और अन्य स्थानों पर सैनिटाइजेशन का कार्य यहां पर बदस्तूर जारी है। लोग अपने ही घरों में हैं और तमाम वो आवश्यक जरूरतें जिनकी उन्हें जरूरत है अपनी दिनचर्या को पूरा करने में उन्हें लगातार मुहैया कराई जा रही है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता योगेश शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर भीलवाड़ा से जुड़ चुके हैं। लोग योगेश, भीलवाड़ा में महाकर्फ्यू आज भी जारी है, प्रशासन ने इस दौरान सभी से घरों में रहने की अपील की, क्या इसका असर देखने को मिला? महाकर्फ्यू का आज 10वां दिन है। 10वें दिन में महाकर्फ्यू जारी रहा है। प्रशासन ने जो अपील की है उसका बहुत असर पड़ा है। प्रशासन ने कल से फिर इस पर सख्ती कर दी। जो अनावश्यक रूप से लोग बाग घूम रहे थे सड़कों पर, उनको भी अब क्या है कि अब कोई ना कोई अपील की जा रही कि वो घर पे रहें, तो अब सभी लोग अपने घरों पर और बाजारों में और कॉलोनियों में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है जी। और एक खुशी की बात भीलवाड़ा में और है, जो भी 28वां जो कोरोना पॉजिटिव सरकारी शिक्षक मिला था उसके परिवार के सदस्यों की जो कोरोना पॉजिटिव जांच कराई गई थी वो उन सभी की जांच नेगेटिव आई है। और भीलवाड़ा में केवल मात्र एक ही कोरोना पॉजिटिव रोग मरीज है जो उसको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा रखा है जी। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद योगेश, भीलवाड़ा से आपको खबर बता रहे हैं। महाकर्फ्यू यहां पर जारी है, स्थिति को काफी ज्यादा कंट्रोल में भीलवाड़ा प्रशासन ने अपने प्रयासों के तहत कर लिया है।